रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। यह शख्स समोसे बेचकर कमाता है साल में 60 लाख। छोड़ दी गूगल की नौकर, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपने पैशन के लिए गूगल की नौकरी छोड़ दी। अगर कोई गूगल की अच्छी खासी नौकरी छोड़कर समोसे बेचना शुरू करे तो हम सब लोग उसे पागल ही कहेंगे, लेकिन जब आपकी सालाना कमाई 50 लाख रुपए के पार पहुंच जाए तो शायद लोगों को अपनी राय बदलनी पड़ेगी। हम बात कर रहे हैं मुनाफा कपाडिया की। मुनाफा इंडिया में द बोहरी किचन नाम का रेस्टोरेंट चलाते हैं। मुनाफा की मां नफीसा टीवी देखने की काफी शौकीन है। उन्हें फूड शो देखना काफी पसंद था और इसलिए वे खाना भी बहुत अच्छा बनाती थीं। मुनाफा को लगा कि वे अपनी मां से टिप्स लेकर फूड चेन खोलेंगे। अपनी मां के हाथों का बना खाना कई लोगों को खिलाया, सबने उनके खाने की तारीफ की। इससे मुनाफा को बल मिला और वे इस सपने को पूरा करने में लग गए। मुनाफा कपाड़िया ने अपने फेसबुक प्रोफाइल में लिखा है कि मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने समोसा बेचने के लिए गूगल की नौकरी छोड़ दी, लेकिन उनके समोसे की खासियत यह है कि वे मुंबई के 5 सितारा होटलों और बॉलीवुड में खासा लोकप्रिय है। मुनाफा ने MBA की पढ़ाई की थी, फिर उन्होंने कुछ कंपनियों में नौकरी की और विदेश चले गए। विदेश में मुनाफा को गूगल में नौकरी मिल गई। कुछ सालों तक गूगल में नौकरी करने के बाद मुनाफा को लगा कि वे इससे बेहतर काम कर सकते हैं। उसके बाद वो इंडिया वापस डॉलर गए। मुनाफा का द बोहरी किचन न सिर्फ मुंबई बल्कि देश भर में मशहूर है। उनके रेस्तरां का सबसे बेहतरीन लजीज और मशहूर फूड आइटम मटन समोसा माना जाता है, मगर द बोहरी किचन सिर्फ मटन समोसा के लिए ही मशहूर नहीं है। नरगिस कबाब, डब्बा गोश्त, करी चावल समेत ऐसी कई डिशेज हैं जिनके लिए भी द बोहरी किचन मशहूर है। कीमा समोसा के अलावा मटन रान भी रेस्तरां का एक मशहूर और लजीज खाना है। बीते 2 साल में ही रेस्तरां का टर्नओवर 50 लाख रुपए तक पहुंच गया है।